भगवान की दीवान मोल जिंदगी तुम लोगों ने खिलवाड़ बना रखा है क्या? अरे जिंदगी सिर्फ सुखों का मेला नहीं है, दुखों का झमेला भी है, लेकिन तुम लोगों को दुख तो झेलना नहीं है, जिंदगी भर गलती करते जानी है, और जब पश्चाताप का समय आएगा तो ऐसे आत्महत्या करने के लिए निकल जाते हो। बता मरना क्यों चाहती है तू? बोल दीदी, और मारो मुझे, और मारो, लेकिन मैं जीना नहीं चाहती, आज ये मीनू मर के रहेगी। पर मीनू तेरी शादी तो बड़े घराने में हुई थी ना, लाखों की संपत्ति, एक लौता लड़का, और तेरी बारात भी बड़ी धूमधाम से आई थी। तेरे पिता वो श्याम सुंदर ने तो लाखों खर्चे किए थे। मैंने सोचा तू ससुराल में रानी नहीं महारानी बन के रहती होगी। हाँ दीदी, महारानी बनकर ही तो रह रही हूँ। ये देखिए मेरे कहने, वो भी 24 कैरेट के, उनसे लेती हुई हूँ पूरे। मीनू ये बता, ये तेरी हालत किसने की है? नाम बता किसने किया, ये बता। दीदी ये मेरी हालत मेरी सासू माँ ने की है। तो चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ। बहू, मीनू बहू। जी हाँ आई। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हमने कुछ कहा था तुझसे? जी मम्मी जी, घर के इतने सारे काम होते हैं, मैं भूल गई होंगी। चुप, दुनिया की पहली औरत है क्या तू, जो छोटे छोटे काम भूल जाती है? बेटा आजकल की लड़कियों का तो पूछा ही मत, देखो कैसे बात कर रही है अपने पति से। इनकी नजर में ना पति कुछ भी नहीं है, दो कौड़ी का है बस। क्या रे, तू मुझे दो कौड़ी का समझती है? नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ समझना भी मत, वरना तुझे और तेरे बाप को दोनों को औकात दिखा दूंगा। अभी तू मुझे अच्छे से जानती नहीं है। अरे बेटा पहले पैसे की बात तो कर ले, मंगाए कि नहीं मंगाए, लड़ाई बाद में कर लियो। हाँ माँ, तेरे बाप ने पैसे देने के लिए कब बोला है? जी मैंने उनसे इस बारे में बात ही नहीं की, और हाँ मैं उनसे पैसे वैसे नहीं मांगने वाली हूँ, मैंने एक बार बोल दिया आपको। लो देखो, मेरा बेटा अभी बिजनेस करने के लिए खड़ा है, और इस महारानी ने अभी तक बात ही नहीं की है। आप लोग कुछ भी कहो, लेकिन हम अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगने वाले, एक बार बोल दिया ना हमने आपको। देखा बेटा, चिड़िया के ना पर निकल आए, अब बात करने से कोई फायदा नहीं है। माँ तो मुझे चिड़िया के पर काटने भी आते हैं। पर ही क्यों, हमारा गला काट दो, जान से मार दो हमको। तूने क्या मुझे पागल समझ के रखा है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी गले नहीं काटते, काटते उसका पर। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। रुक, मैं बताती हूँ इसे, तू इधर आ। हाँ क्या बोल रही है तू? हाँ नहीं लाएगी तू पैसे? हाँ कैसे नहीं लेकर आएगी तू? हाँ बोल, कैसे नहीं लाएगी? अब कैसे जवानी लड़ाई जा रही है? नहीं लाएगी। अरे तू तो क्या, तेरा फरिश्ता भी पैसे लेके आएंगे? तुझे एक बार बोल दिया था ना कि मेरे बेटे को पैसे की जरूरत है, तेरे बाप से इसलिए मैंने दहेज नहीं मांगा था कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो तू लाके देगी। लेकिन अब क्या कर रही है, नखरे दिखा रही है, पैसे नहीं लाएगी। पैसे तो तेरा बाप जरूर देगा, समझी? और हाँ, जब तक पैसे लेकर नहीं आएगी ना, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, निकल यहाँ से। सही किया माँ आपने, इसको उसकी औकात दिखाकर। बस दीदी इसीलिए मीनू मरना चाहती है। तू चल मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ कहाँ के इतने बड़े टोप है वो लोग, तू चल। अरे दीदी वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, वो नहीं सुधरने वाले। बेटा चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और ऐसे हरामियों के पिछवाड़े में कैसे ढक्कन लगाना है ना, ये चिंगारी बखूबी जानती है। तू चल मेरे साथ, चल पहलवान। माँ उसको गए हुए बहुत देर हो गया, लगता है पैसे लेकर के आती होगी। मुझे भी लग रहा है बेटा, आज तो पैसे आ जाएंगे, तू बस अपने बिजनेस की तैयारी कर। आती नहीं होगी, आ चुकी है ये, और तू बे है? बीवी का कमाई से तो बिजनेस शुरू करना चाहता है, है? तेरे शरीर में घुन लगा हुआ है क्या, बोल ना। अरे मेरे बेटे को क्यों मार रही है, कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी के नर, और मैं तेरी जैसे नस्ल को सुधारने का काम करती हूँ। और वाह, बेटे को चोट लगी तो माँ को दर्द हुआ, अब जब माँ को चोट लगेगी तब तो बेटे को दर्द होगा ना? नहीं नहीं, मुझ पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मतलब तेरे हिस्से की धुलाई ये तेरा लौंडा खाएगा है ना? चिंगारी दीदी के गुस्से से तुम बच नहीं पाओगे। सही कह रहा है पहलवान तू। चिंगारी जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ,
मेरे बेटे को मत मारिए। अच्छा, तेरे बेटे को ना मारूं? आज जब तू और तेरा बेटा मिलके दूसरे घर की बेटी को मारते हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम गिड़गिड़ा रहे जो अपने भीतर है तो हैं? नहीं नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मीनू को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम दोनों कुछ नहीं कहेंगे उससे। मीनू बेटा बता क्या करना है इन लोगों का। नहीं नहीं दीदी, इन लोगों की बातों पे भरोसा मत करना। ये लोग कब अपनी बातों से पलट जाए पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, इन्हें दहेज उठाने केस में अंदर डलवा देती हूँ। नहीं नहीं चिंगारी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा मत करना। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम वादा करते हैं, हम मीनू के साथ अभी कुछ नहीं करेंगे। चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दो, मीनू तुम भी मुझे माफ कर दो। दीदी मैं आपसे वादा करता हूँ, मीनू को उसके सारे अधिकार दिलाऊंगा और सारी खुशियां भी। मैं यहाँ आती जाती रहूंगी, लेकिन याद रखना अगर मुझे गलत का थोड़ा सा ही भनक लगा ना, चिंगारी सिर्फ एक बार मौका देती है, दोबारा मौका दे दी ये कभी सोचना भी मत, समझे? चल मीनू बेटा, आज के बाद से कोई भी दिक्कत हो ना सिर्फ एक फोन करना। इन दोनों को सलाखों के पीछे घुसा के इतना मारूंगी ना कि जिंदगी भर ये भूल जाएंगे कि साले माँ बाप है, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी के नार।